पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर एक महिला ने अपनी 1.5 साल की बच्ची समेत कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना जुन्नर तहसील के हिवरे नारायण गांव में घटी है। रंजना तांबे और श्रीषा तांबे ऐसे मृतकों के नाम हैं। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने पति अविनाश बंडू तांबे, देवर संतोष बंडू तांबे, ससुर बंडू लक्ष्मण तांबे, सास बायड़ा बाई बंडू तांबे को गिरफ्तार किया है। मृतक महिला के माता पिता का कहना है कि रंजना और श्रीषा की हत्या कर उन्हें कुएं में फेंक दिया गया है। परिजनों की शिकायत के बाद पति समेत सास ससुर और देवर को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद गुस्साए रंजना के माता पिता ने पति अविनाश तांबे के घर के सामने ही बेटी रंजना और श्रीषा का अंतिम संस्कार किया। प्राथमिक तौर पर पुलिस ने बताया है कि पति अविनाश और रंजना को 2 बेटियां होने से अविनाश रंजना से मारपीट करता था। अविनाश को घर के लिए चिराग चाहिए था, जिसके लिए रंजना को पूरा परिवार शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता था। साथ ही अविनाश ने रंजना से जबरदस्ती तलाक के पेपर पर दस्तखत लेकर दूसरी शादी करने की तैयारी में था। इस बात के लिए रंजना और उसके पिता राजी नहीं थे। 8 जून को रंजना के पति अविनाश ने मारपीट की और इसके बाद रोज रोज के झगड़ों से रंजना परेशान हो चुकी थी और उसने छोटी बेटी श्रीषा के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। हालांकि रंजना के माता पिता का कहना है कि रंजना और श्रीषा की हत्या कर उन्हें कुएं में फेंका गया है। आगे की जांच में पुलिस जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज़, पुणे।